नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज़। कुंभकर्ण मेघनाथ कवध व सुलोचना सती के साथ दिखाए गए मार्मिक दृश्य। कैराना नगर के गौशाला भवन में श्री रामलीला महोत्सव का श्री गणेश वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ भारद्वाज द्वारा गणेश वंदना के उपरांत किया गया। इसी क्रम में श्री रामलीला कमेटी द्वारा वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ भारद्वाज, संपादक मेहताब शानू व सलीम चौधरी को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। श्री रामलीला महोत्सव में कुंभकर्ण मेघनाथ सुलोचना सती का शानदार मंचन भी किया गया। इस दौरान रामलीला को देखने के लिए आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। रामचंद्र भगवान की, आज हम सब लोग ऐतिहासिक पर्व विजयदशमी के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं और रामलीला का ऐतिहासिक कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा आयोजित करने का कार्य किया जाता रहा। प्रतिवर्ष बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम के बीच में उपस्थित हमारे रामलीला कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जयपाल सिंह जी, मोहनलाल आर्य जी, शगुन मित्तल जी, शक्ति संगल जी, पंकज जी, आलोक कुमार गर्ग जी, राकेश कुमार गर्ग जी, संजीव वर्मा जी, अभिषेक भारद्वाज जी, डॉक्टर राम कुमार गुप्ता जी, अभिषेक सिंगल जी, हमारे वकील साहब और समस्त हमारे कमेटी के मेंबर्स और सभी यहाँ उपस्थित इस ऐतिहासिक पर्व के अवसर पर उपस्थित सभी माँ शक्ति बहने, सम्मानित साथियों, आज का दिन हम सब लोगों के लिए बड़ा खुशी का दिन होता है, क्योंकि इस दिन असत्य पर सत्य की जीत होना, अधर्म पर धर्म की विजय होना, ये हमारे जीवन का मूल्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन को जीने का काम किया, उनके जीवन परिचय को हम लोगों ने सीखा, उनके जीवन परिचय पर चलने के लिए लोगों ने अपना मनोबल लेकर के, अपना मन बना करके चलने का काम किया, और मैं समझता हूँ उसी का एक परिणाम हम सब लोगों के लिए आज देखने को मिलता है। ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम किया जाता रहा। विजयदशमी का पर्व हम लोग बड़े खुशहाली के रूप में मनाने का काम करते हैं, क्योंकि अंधकार पर विजय यानी कि अंधकार पर प्रकाश का पर्व ही विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। मैं आप सभी को इस ऐतिहासिक पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के जीवन में, आप सभी के परिवारों में खुशी का माहौल इसी प्रकार से बना रहे और आप लोग तरक्की उन्नति की तरफ लेकर के चलने का काम अपने परिवार को करते रहे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस रामलीला कमेटी के दौरान, रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कलाकारों ने अपनी भूमिका को निभाने का काम किया और अपनी कला को प्रदर्शित करने का काम आप लोगों के रूप में किया। किसी ने भगवान श्री राम की भूमिका निभाने का काम किया, राम लक्ष्मण की भूमिका को निभाने का काम किया, हनुमान जी की भूमिका को निभाने का काम किया, किसी ने सुग्रीव की भूमिका को निभाने का काम किया, हमारे शकुन मित्तल जी मुझे मालूम है इन्होंने रावण की भूमिका निभाने का काम किया है। इनका रोल वाकई बहुत अच्छा देखने को मिलता है। दूर दूर तक आवाज इनकी पहुंचती है, बुलंद आवाज के साथ अपनी बात को कहने का काम करते हैं और लगातार धार्मिक कार्यों में अपना संबोधन भी देने का काम करते हैं, अपना समय भी देने का काम करते हैं और भागीदारी अपनी सुनिश्चित करने का काम करते हैं। रामलीला कमेटी से और रामलीला के इस कार्यक्रम में सभी कलाकारों को मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं लगातार, क्योंकि इसमें केवल अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले कलाकार नहीं होते, ढोलक और हारमोनियम बजाने वालों का भी बहुत बड़ा योगदान सहयोग होता है, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मोहनलाल जी भी लगातार ऐसे कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करते हैं। जितने भी लोग इस रामलीला कमेटी के कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तमाम लोगों का जिन्होंने सहयोग करने का काम किया उनका धन्यवाद करता हूँ। अभी नवरात्रों के दिन भी हमारे, आज नवमी होगी, दसवीं होगी आज, और नवरात्रों के दिन गए हैं और उन दिनों में भी आप लोगों ने पूरी माता रानी को याद करने का काम किया, उनके व्रत रखने का काम किया है। उस अवसर पर भी आप लोगों को
बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विजयदशमी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का धन्यवाद, सभी का अभिनंदन।